आप एक खटिक बता दीजिएगा जो किसी के दबाव में आपको आज दिखे, उसका एक फोटो मुझे भेजिएगा। खटिक पर आप दबाव नहीं बना सकते महाराज, खटिक एक ऐसी जिद्दी योद्धा जाति है जिस पर आप प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते। इनका दमन नहीं हुआ है बल्कि आक्रांताओं ने इनको लूटा है, नोचा है, घसोटा है, इनकी स्थिति ये हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, आज के 2 साल पहले जब यूट्यूब पर मैंने खटिक समाज को लेकर वीडियो डाला था तो उस पर कुछ कमेंट्स आए हैं जिनके बारे में जवाब देना मैंने बिल्कुल सही समझा है और मैं उसी पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो सभी भाइयों को मेरा राम राम जी। और चर्चा ये है कि मेरे वीडियोस पर कमेंट्स आए कि खटिक जाति या क्षत्रिय थे तो उनका कोई किला क्यों नहीं है। तो बिल्कुल सही सवाल। तो दोस्तों, आज उसी पर हम थोड़ा रिसर्च पॉइंट आप भी उसे नजर डालते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक आज़ाद देश था और यहाँ पर सभी को अपने हिसाब से रहने, खाने, पीने, जीने, धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार था। लेकिन कुछ आक्रांताओं के आने के बाद उन अधिकारों पर इनके रोक लग गई। तो जब रोक लगी तो जो हमारी खटिक समाज के जो योद्धा थे, आपने सुना होगा कि इन्होंने अपने जीवन शैली में बहुत सारे परिवर्तन किए। इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, किसानी करना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आक्रांताओं के टाइम पर इन्होंने युद्ध नहीं लड़ा और खेती करना शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं। ये युद्ध लड़ने के बाद जब राजा युद्ध हार जाते हैं तो सैनिक क्या कर सकता है? सैनिक अपना जीवन यापन करने के लिए खेती किसानी आदि संबंधित विधाओं से जुड़कर अपना जीवन यापन करना शुरू किया। उसी दौरान इन सब का जो परिचय था, जो मूल परिचय था इनका, वो परिचय समाज में धीरे धीरे खोता हुआ चला गया। और अब मुझे यहाँ पर आके डिफाइन करना पड़ रहा है कि खटिक क्षत्रिय कैसे हुए। तो क्षत्रिय शब्द किसके लिए उपयोगी है? क्षत्रिय उनके लिए उपयोगी है जो राज्य, स्त्री या फिर अपनी रक्षा में शस्त्र का धारण करे, शस्त्र उठाए, वही क्षत्रिय कहा जाता है। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप के इतिहास से लेकर अगर आप राजा राम के इतिहास में देखें तो वहाँ पे आपको भीलराज आदि नामों का वर्णन मिलेगा। इसी आप सुग्रीव को देखें तो सुग्रीव का जो राज्य था वो राजा राम के राज्य में ही आता था। मतलब एक स्टेट एक राष्ट्र के अंडर में तब भी काम कर रहा था। यानी कि हमारे यहाँ दमन की स्थिति नहीं थी कि एक राजा छोटे राजा को दमन कर रहा था, ये पहले की बात थी। धीरे धीरे दमन ना होता तो विघटन ना होता, विघटन ना होता तो आपसी भाईचारा ना खत्म होता, आपसी भाईचारा ना खत्म होता तो भारत गुलाम नहीं होता। तो उस चीज़ को मैं पिछले प्राचीन इतिहास से निकाल कर आपको ये बात बता रहा था कि यहाँ पर दमन नहीं करने की परंपरा थी, धर्म युद्ध लड़े जाते थे। तो दोस्तों, अगर आप मुझे आप एक खटिक बता दीजिएगा जो किसी के दबाव में आपको आज दिखे, उसका एक फोटो मुझे भेजिएगा। खटिक पर आप दबाव नहीं बना सकते महाराज, खटिक एक ऐसी जिद्दी योद्धा जाति है जिस पर आप प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते। इनका दमन नहीं हुआ है बल्कि आक्रांताओं ने इनको लूटा है, नोचा है, घसोटा है, इनकी स्थिति ये हो गई है। आज भी सबसे अच्छे योद्धाओं में से खटिक समाज के वीर योद्धाओं के बारे में मैंने वीडियो बनाया था इसे संबंधित। दिल्ली जाकर वहाँ पर जो हमारे शहीद हुए हैं उनका नाम लिस्ट में है, वो ढूंढने में दिल्ली तक गया हूँ। तो ये आप जानिए कि ये योद्धा प्रजाति के लोग हैं और जब दमन हुआ तो विपक्ष में थे। ये विपक्ष का सबसे अधिक दमन होता है। इनका पहचान, परिचय, जात पात, किला सब बदल दिया गया, खो गए। सिर्फ राजा ही थोड़े राज में क्षत्रिय होता है, वो राजपूत कहा जा सकता है। लेकिन क्षत्रिय होना तो शस्त्र से जुड़ा हुआ शब्द है ना, जो शस्त्र कलाओं में पारंगत होगा वो क्षत्रिय होगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा था कि अपनी अपनी लाइफ स्टाइल, आप अपने उस समय अपने हिसाब से जीने के लिए लोग स्वतंत्र थे और खटिक जाति जंगलों में या फिर जंगलों में रहा करती थी या नगर से थोड़ा दूर रहा करती थी। क्यों? क्या आज आप बता सकते हैं कि जो हमारा तेजस है उसको कौन बना रहा है, उसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है? लेकिन वो व्यक्ति आर्मी का ही है ना, उसको सेना का ही व्यक्ति कहा जाएगा ना, वो सेना में ही तो है। तो ऐसा नहीं है कि यदि आप उससे संबंधित किसी जानकारी को उपलब्ध ना करा पाएं तो उसके उस पर रिसर्च करके या उसकी जीवन शैली को देखकर ये नहीं पता किया जा सकता कि वो व्यक्ति किस मूल रूप से किस जात या किस पद्धति या किस ग्रुप या किस दल या किस संस्था से बिलोंग करता है। तो रिसर्च जब आप करने की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको ये समझना होगा कि हमें ये देखना होगा इनका बॉडी टाइप। बॉडी टाइप आप देखिए, बॉडी टाइप में आपको हट्टे कट्टे 6 फुट के खटिक जात के भाई मिलेंगे जो काफ़ी मजबूत दिखेंगे आपको। कद काठी, ये जो 5-5, 6-6 फुट के लोग, 5-5.5 फुट के लोग घूम रहे हैं वो अपने आप को बड़ा क्षत्रिय समझ रहे हैं और जिसने युद्ध लड़ा, भाला फेंका, तलवारें चलाई, वो क्षत्रिय नहीं है। यही तो हमारी विडंबना है दोस्तों।
हमने कभी रिसर्च पॉइंट आप दूसरे किसी को देखा ही नहीं, हमने तो बस लिखी लिखाई रटी रटाई पद चिन्हों पर चले और अपने इतिहास को समझने लगे। आप समझिए, दमन नहीं हुआ है। आज दमन करके कोई दिखा दे कटिक समाज के व्यक्ति का, एक नहीं कर सकते आप दमन। वो ट्रेंड हैं, वेल ट्रेंड योद्धा हैं वो। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था कि मैं आपको किले के बारे में भी जानकारी दूंगा लेकिन आने वाले वीडियोस पर। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा, बेल बटन को दबाइएगा। दोस्तों जुड़े रहिए, मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक जल्द ही खटिक समाज के किले के बारे में रिसर्च पेपर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।